हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम ऑफिस के लिए फिर से तैयार हो गए हैं। अभी ऑफिस जाने के लिए हम बस निकलने वाले हैं और ये मेरा मोलू स्मेल कर रहा है। मोलू क्या दिख रहे हो आप? मोली दिख रही है कि इसको खाने को क्या मिलने वाला है, कहाँ से कुछ मिल जाए खाने के लिए। बस फिर वो खानी 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 है, खाना खाना है इसने। फिर अभी इसको आके के साथ खेलने के लिए बाहर लेके जाएंगे, फिर ये दूर भाग जाती है। अभी हम लंच करने घर आए थे तो पहले मैंने आकी को खाना खिला दिया ताकि ये शांत हो जाए। पानी पीने गएगा। ले कम आपको काम, चलो आज मेरा गुड्डू। चलो अंदर, चलो चलो अंदर। मैंने इसमें और पानी डाल दिया क्योंकि इसको प्यास लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो पानी दे दिया उसको, पिए जा रहा है। अब हम भी लंच कर लेते हैं। फाइनली अब आकी को खाना खिला दिया है तो अब हम भी खाना खा लेते हैं। सो गाइस, अभी हम लंच के लिए घर आए हैं और आज हमने खाने के लिए बनाया है काले चने की सब्जी, दही एंड साथ में मैंने लिया है एक गलगल का अचार और मूली के अचार, साथ में ये सैलेड, नींबू, टमाटर, प्याज एंड गाजर। हेल्दी खाओ और हेल्दी रहो। तो फाइनली हम लंच करेंगे, फिर लंच करके फिर ऑफिस जाएंगे वापस। सो मिलते हैं आपको आगे। आज हम क्या करने वाले हैं मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बाय बाय। अपना खाना खाने के बाद भी इसको दूसरों के खाना देखना होता है कि पता नहीं ये लोग और एक्स्ट्रा क्या खा रहे हैं, मेरे को और मिल जाए इनसे कुछ। सो गाइज, अभी हमने लंच कर लिया है, डॉग को भी फीड करवा दिया है आकी को। तो गाइज मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी, हमारे डॉग को अभी ये है 8 मंथ्स का और इसको हमने वैसे तो कमांड सिखाने की कोशिश करी बट बहुत इंटेलिजेंट होता है जर्मन शेफर्ड, बट ये बहुत क्लेवर है। इसको जब कुछ चाहिए होता है तभी ये बात कमांड सुनता है। जैसे खाना खाने के लिए इसने सिट की कमांड सीख ली है, सिट तो ये सीख मतलब कर बैठ जाता है शांति से। बाकी कोई कमांड सिखाने के लिए बहुत नखरे करता है। तो अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं हम कैसे अपने डॉग्स को अच्छे से ट्रेन खुद कर सकते हैं कहीं अलग ट्रेनिंग के लिए, नहीं क्योंकि वो लोग डंडे डुंडे मारते हैं तो फिर मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि डॉग्स को पीट रहे। तो अगर आप कोई ट्रिक्स बता सकते हैं जिससे हम खुद भी अपने डॉग्स को ट्रेन कर सकते तो आप प्लीज़ बताइए। और एक चीज़, जैसे कि अभी डॉग फीड कर रहा था, खाना खा रहा था, उसको पेशेंस सिखाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर हम सो खाना खाते हुए मतलब कोई और डॉग आ जाए फिर वो बाइट इतनी खतरनाक करते हैं कि एक दूसरे को मारने लायक कर देते हैं। तो इसलिए इस समय इनको पेशेंस सिखाना ज़रूरी है कि खाना खाते टाइम अगर गलती से किसी का हाथ आ जाए, वैसे डालना तो नहीं चाहिए, कई लोग करते हैं मजाक मजाक में कि डॉग कुछ खा रहा हो उसको ज़बरदस्ती खींच लेते हैं, प्यार करने की कोशिश करते हैं, तो वैसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि डॉग्स एक ऐसी ब्रीड है जो खाने के लिए तो किसी को नहीं बख्शते चाहे कितना भी प्यार करते हो। मालिक को तो फिर कुछ नहीं कहेंगे जो उनके ओनर है, बट अगर आप किसी अननोन डॉग के पास हैं या किसी के गेस्ट बन के आए तो प्लीज उनके डॉग्स को खाते हुए मत छेड़िए, अदरवाइज वो आपको बाइट कर सकते हैं। तो वो एक सेफ्टी का अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो डॉग्स हमेशा फ्रेंडली होते हैं, हमारे पेट्स भी फ्रेंडली है,
तो अगर आप इसको सावधानी रखेंगे तो फिर आपके आपके साथ कभी पेट्स आप पे अटैक नहीं करेंगे और आप उसको प्यार से रखेंगे। फिर अभी हम ऑफिस को जाएंगे, थोड़ी देर में हम ऑफिस के लिए निकल जाएंगे वापस। 1 आवर की ब्रेक थी तो हमने लंच किया आके, डॉग को फीड किया। मम्मी आज घर पे नहीं थे, मम्मा को थोड़ा सा काम है तो अभी वो बाहर गए हैं थोड़े टाइम के लिए, तो इसीलिए हमने आके डॉग को फीड कर दिया। इनफैक्ट मॉली को आज रेबीज़ का इंजेक्शन लगना था, इसीलिए गए हैं उसको लेकर के ताकि उसको रेबीज़ का इंजेक्शन लग जाए। वो भी अभी 4 मंथ्स की हुई है, सितंबर बॉर्न है, 4 to 5 मंथ्स की वो हो गई है 12 फरवरी को। तो अभी उसका रेबीज़ का इंजेक्शन भी लग गया है और शाम को मैं आपको मॉली से मिलाऊंगी। बेचारी आज थोड़ी सुस्त होगी, ज़्यादा एक्टिव नहीं होगी वो खेलने कूदने के लिए, बट मैं आपको दिखाऊंगी शाम को कि उसकी क्या हरकत है आफ्टर हर इंजेक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, तो ये हमने घर के अंदर छोटे से फ्लावर्स रखते हैं जो कि देखने में हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हमारा मूड हमेशा फ्रेश हो जाता है जब भी हम अपने घर के अंदर ऐसे फ्रेश फ्लावर्स को पानी में रख के देखते हैं। तो आप भी अपने घर में फ्लावर्स रख सकते हैं, ये पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं और हमें हैप्पीनेस का सोर्स बन जाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी अपने घर को डेकोर भी कर सकते हैं। और अपने गार्डन में दिखाती हूँ, जो हम बैम्बू प्लांट लेके आए थे उस प्लांट को मम्मा ने गमले में लगा दिया था, तो मैं दिखाती हूँ कितना ग्रो हो गया। ये दिख रहा है आपको, ये बैम्बू प्लांट है जो मैं घर से लाई थी, जो अनन्या के नाम पे मिला था। तो ये इस गमले में लगाया है, जब ये स्टार्टिंग में तो इसकी लकड़ियाँ ऐसी दिख रही है थोड़ी ब्राउनिश, अभी थोड़े टाइम में ये ग्रीन हो जाएगा। चमक 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 चमक। मेरा मोलू आ गया है, मोलू के छुई लगी आज दो, बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई है ये बेबी आज। इसको रेबीज़ के इंजेक्शन लगे और जो वेटरनरी डॉक्टर था उसने दो जगह सुई लगाई आज, और मेरा बच्चों बहुत सुस्त थका, इसको पेन हो रहा है, इसको बहुत सारा पेन हो रहा है। तो ये आज गई थी डॉक्टर के पास, इसका रेबीज़ का सुई लगना था, तो फाइनली वो लग गया है। आप ये घर आइए, बट बहुत थक गई है ये, बहुत ज़्यादा थक गई है, रेस्ट कर रही है। तो गाइज़ मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं ऑफिस से आ गई थी 6 बजे और आकर के मैं थोड़ा बहुत खाना वगैरह बनवाया और मम्मा गए हुए थे क्योंकि, तो मम्मा भी आए हैं थोड़े टाइम पहले ही 8 बजे के आसपास। तो मौली भी मम्मा के साथ ही आई क्योंकि ये गई हुई थी छुई लगवाने के लिए अपना, और बच्चे को दो इंजेक्शन छुई लगाया, मेरी गोदी में छो गया आके चुपचाप ये। तो गाइज़ मैं कल मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, और कल कुछ स्पेशल होने वाला है, तो कल हम कहीं जाने वाले हैं, तो मैं कल के ब्लॉग में आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड सी यू अगेन सून।